तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूँ मैं? वो तुम्हारा आशिक है, तुम्हारे पीछे मेरा क्या कसूर है इसमें? कश्यप खाने में क्या था? जहर डाला है तुमने खाने में? नहीं। नेक्स्ट कश्मालो और सरफराज ने बहुत बड़ी चाल चलनी है दुआ के साथ। सरफराज दुआ को कहता है कि ये तुम्हारा जो घमंड है, ये तुम्हारा जो गरूर है, इसको मैं तोड़ूंगा। दुआ कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सरफराज कहता है कि देखते जाओ होता क्या है। दुआ को कश्माला पर शक हो जाता है कि कहीं कश्माला नहीं तो नहीं सरफराज को बुलवाया था। और दुआ कश्माला को कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सरफराज के साथ मिली हुई हो और उसको यहाँ पर लाने में तुम्हारा ही हाथ है। कश्माला और सरफराज का प्लान ये होने वाला है कि दुआ ने गजनवी के लिए खाना बनाना है और दुआ ने कहना है गजनवी से कि मैंने ये अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है, बहुत ही मजे का खाना बनाया है, आप खा के जरूर देखें। तो यहाँ पर चाल चलनी है कश्माला ने, उसने इस खाने में कुछ ना कुछ मिला देना है जिसकी वजह से गजनवी को इस खाने की वजह से कुछ होने लग जाना है। बहरहाल जब गजनवी ने ये खाना खाना शुरू करना है तो गजनवी को कुछ होने लग जाता है, उसके गार्ड वगैरह आ जाते हैं तो देखते हैं इसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। कश्माला ने ये इसलिए इस किया है ताकि गजनवी को लगे ये खाना जो है वो दुआ ने बनाया है और इसमें दुआ ने कुछ ना कुछ मिलाया है, जहर मिलाया है और वो गजनवी को मारना चाह रही है। बहरहाल उसके बाद गजनवी को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। कश्माला कॉल पर रो रो कर अपनी सास को यानी कि गजनवी की वालदा को कहती है कि दुआ ने गजनवी के खाने में कुछ मिला दिया, जहर मिला दिया है, जिसकी वजह से गजनवी अब हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि गजनवी का बचना भी बहुत मुश्किल है। और उसके बाद अब गजनवी के वालद और वालदा के जहन में भी ये डाल दिया कि दुआ जो है वो गजनवी को मारना चाह रही है। जब गजनवी के वालद और वालदा हॉस्पिटल में आते हैं तो गजनवी का जो वालद है यानी कि बाबा साईं, वो कहते हैं कि इस लड़की को यानी कि दुआ को यहाँ से दूर ले जाओ, गजनवी के सामने भी कभी ना आए। तो इस तरह करके दुआ को गजनवी से नहीं मिलने दिया जाता। दुआ हॉस्पिटल में जाती है लेकिन उसे नहीं मिलने दिया जाता, उसको यही कह दिया जाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर बाबा साईं और अम्मा साईं के जहन में और गजनवी के जहन में ये बात अब डाल दी गई है कि दुआ जो है वो गजनवी को मारना चाह रही है।